بسم الله الرحمن الرحيم. शनुषा का काम है हमारे सामने सबसे पहले। यहाँ पर काफी मोटा हो गया कलम। ये सच्चा है, ये सच्चा है। यहाँ काफी नीचे मोटा लग रहा है। इसी तरह यहां भी कलम बहुत मोटा मोटा है, जबकि ये हिस्सा भी काफी मोटा होता है। इस पूरे हिस्से पर गौर कीजिएगा, ये हिस्सा बिल्कुल फौरन आके पतला हो गया। ये खड़े खड़े कलम से बना, और नीचे वाला बहुत पतला हो आके सर थोड़ा सा बड़ा बनाए और थोड़ा सा उसको पीछे ले जाए, यानी ये करके ऐसे पीछे ले जाए, फिर ये बनाए ताकि ये फा लगे। आपका ये भी फाफ की तरह ही लग रहा है। यहाँ यहाँ नीचे दोनों में जगह कम दिख रही है, इसको बेहतर करें। पतला सा आएगा ये, नाम को थोड़ा सा और लंबा ले जाए, अधिक को भी काफ को भी थोड़ा सा और लंबा ले जाए। नीम आपको अच्छा है, माशा नीम में भी यहाँ ऐसे चूमा हुआ है। इसको गौर से देखिएगा, मैं कलम के जरिए से भी इसकी वजाहत करूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल अच्छा काम है माशाल्लाह। ये अधिक अच्छा है, लाल भी अच्छा है, सिंह भी अच्छा है। काफी मोटा मोटा आ गया, इसको थोड़ा पतला होना था। इसको थोड़ा देखते रहे, ये लंबा हो गया, ये भी लंबा चला है, इसको इधर आना चाहिए। मश बहुत अच्छी है माशाल्लाह। पेपर आपने प्रॉपर यूज करना है। सर वो ग्लॉसी पेपर से पे मुझसे लिखा नहीं जाता है। सर आपको मेरी आवाज आ रही जी, है? ग्लॉसी पेपर पे ना मुझसे लिखा नहीं जाता, तो मैं ना गिफ्ट पेपर का पीछे वाला जो ये है ना वो यूज कर लेती हूँ, वो ग्लॉसी होता है। और दूसरा जो आपने वीडियो बनाई थी ना, वो जो आपने पेपर बनाया था ब्राउन कलर में अंडे की कोटिंग करके, तो वो मैंने पेपर बनाया था तो मैं उस पर लिख लेती हूँ, लेकिन वो जाहिर है वो थोड़ा वैसा होता है, तो फिर मैंने इस पे लिख लिया। जी ठीक बनाएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और अच्छा है सर। है, बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, इसको जोड़ें इसके साथ। और ये हिस्सा काफी खुल गया, यानी इसको आप यहीं से वापस लेके आए, ये काफी ज्यादा गैप हो गया इसको। बाकी स्क्रू अच्छा है, बस थोड़ी सी गोलाई लेके आए इसको, हल्का सा यहाँ से गोलपन होना चाहिए। ठीक अच्छी वाश है माशाल्लाह। यहाँ गोल गोल हो गया, जरा इसको ऊपर लेके जाए, फिर ऐसे लेके आए। इसी के साथ साथ थोड़ा सा एक हेयर लाइन का यहाँ इजाफा करें, थोड़ा सा और बड़ा करें। इसको इधर देखिए, यहाँ फासला ज्यादा हो गया है, आपको ये
का सर मोटा हो गया। अब समझ में नहीं आ रही, आपने काफ बनाया है या नहीं बनाया? काफ सर मुझे नजर ये नहीं आ जो रहा, राइट क्या ही लग रहे हैं सारे? राइट वाला जो है ना ये फा है, और ये वाला जो है वो काफ है, इसका ये ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, और ये वो सॉरी फा जो है वो राउंड है राइट साइड पे। नहीं, काफ यहां से गोल होना चाहिए। अच्छा यहाँ ये बिल्कुल फा ही लग रहा है, तो उसको जरा गोल कीजिए ताकि काफ लगे। ठीक है सर। यहाँ ये फारन से इधर आ गया, थोड़ा सा मोटा होकर आगे आता और फिर यहां से यहां इस वाले नीम में कमजोरी है। पिछले जो नीम थे वो कुछ बेहतर था। ठीक है जैनब का काम है, अच्छी मशक है माशाल्लाह। बाप थोड़ा सा और ऊपर से शुरू करें तो आपको ये ऊपर नहीं जाएगा, इस तरफ आ रहा है। बड़ा करें इनको, यहाँ से वापस लाएं जल्दी, बहुत ज्यादा आगे निकल गया। स्पिनिंग से वापस लाएं, ऑफ बेहतर है। फा की आंख बंद करें, नीम बहुत ज्यादा ढीला ढीला सा हो रहा है। नीम को देखें जरा गौर से, मश करें। सींट के दंदाने बहुत ज्यादा वाजे हो गए, उनको जरा ये जो खास कर दूसरा वाला शोशा है ना, ये ज्यादा उठ गया है। और इसके तीसरा वाला शोशा सीधा गया, इसको थोड़ा सा घुमा के लाना है। तो इस हिस्से पे आपने मेहनत करनी है। मीम अभी आपके काफी कमजोर है, मीम पे आपने काम करना है बहुत ज्यादा। मैं आपको कलम के जरिए से जरा समझाता हूँ। अनुषा ये देखिए, आप जो कलम है वो ऐसे आ गया, इसी तरह सैनब ऊपर चले गए इस तरह।
इधर से गरीबा के काम में भी एक गोलाई आ गई, थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है, फिर अचानक नीचे आया इसको देखिए। कलम यहाँ सीधा ही है, जब इसको क्रॉस किया थोड़ा सा आगे आए और फिर रहमान का काम है, अच्छे हैं माशाल्लाह। बावी वाला अच्छा है, ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको उधर लाना था, ये वाला बाहर से आएगा। ये अभी मैंने सिखाया नहीं है, ये मैं तो बाद में सिखाऊंगा। ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से ये लंबा हो गया, ये बेहतर है इस तरफ आना सब। जैसे यहाँ दाल का ये वाला हिस्सा बेहतर करें, पहला वाला रॉ थोड़ा सा लंबा हो गया है, सीन बेहतर है, सीन यूं बहुत लंबा हो गया है, जल्दी इसको यहीं पे वाइंड अप करें। यहाँ पे स्वाद बहुत लंबा, तो बहुत लंबा, आयन बेहतर है, इस वाले आयन को यहाँ लेके आए, फा को थोड़ा सा और यूं लिटाएं, फा और फाफ एक जैसे लगे, फाफ ठीक है, यहाँ इसका दायरा छोटा, फा और फाफ में आप लोगों का फर्क अभी वाजह नहीं हो रहा, उस पर फोकस कीजिएगा। आपसे इसी तरह आइन को देखें, तिरछा रखा करें ताकि ये पतला रहे, आप ये सीधा रखते हैं तो ये मोटा रहता है। अब उसके बाद थोड़ा सा ये तिरछा है, बिल्कुल सीधा नहीं है, सीधा होगा तो ये मोटा बन जाए। इस तरफ आए, तो और एक नुकता समाज आएगा, फिर देखिए यहां से इसको तो गोलाई देते, फा को देखें, थोड़ा सा ऐसे पीछे से लाया कर ताकि ये जगह नजर आए। अब 45 के
यही होता है कि यहाँ पर 3 नुक्ते आते हैं काफ बिल्कुल, आपकी बुलाई होती है। हाँ यहां से ये इधर आ जाता है, ये घूम के आता है। देखिए इन दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा है सब। इसकी डंडी की बात करें तो ये देखो पतली सी होगी, नोक से बनी। मीम को देखिएगा, ये रखा आपने ऐसे घुमाया 1 हफ्ते के बराबर, ये 45 डिग्री पे है, उसको लाके हल्का सा नीचे कर, यहां से एक गोलाई बनी है। अब इसका सेंटर याद रखें, यानी ये 3 नुक्ते 1.5 नुक्ते का ये याद रखें, इसके दरमियान में लाके हमने इसे तो 2 नुक्ते जरूर आगे लाए। ठीक है जी, इसकी नश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नून की जाने। नून में थोड़ा सा तिरछा रखा था 80 डिग्री पे। नून कई तरह के हैं, मैं बताता हूँ। ये 80 पे रख के आप थोड़ा सा इसको घुमाएं, हल्का सा घुमाएं, और जरा ओवल शेप में बनाए इसको। यानी ये नुक्ता फंस जाए यहाँ पे, फिर इसका जो सेंटर है वो ऊपर लेके आते हैं 3 नुक्ते, और 1 2 3 नुक्ते, ये है नून का नुक्ता। अंदर ये 1 नुक्ता ये फंस जाए, और यहाँ पर ये एक जो खुले खुले नुक्ते हैं, ये नून की आपके सामने पहली शक्ल। यहाँ ये फासला,
यूं देखेंगे तब भी ये दोनों देखेंगे। इसको आप फिर देखें। की एक और शक्ल वो देखिएगा, इसमें हमने इसको यूं ऊपर से घुमा दिया था, इसमें थोड़ा सा हम ऐसे लेके आते हैं। यानी इसमें हमारी ये शक्ल तकरीबन एक नुक्ते की बनती है, जबकि इसमें ये शक्ल दो नुक्ते की बनती। इसको हम दो नुक्ते बना देते हैं, फिर इस तरह ये ओवल शेप में आ रहा है, ये गोल नहीं है, ऐसे ओवल शेप, तो इसको भी हम जरा ओवल शेप में बनाएं। और यहां लाकर बस ये खत्म। इसके अंदर नून का नुकता, ये मैंने लेजर मिट का नुकता लगाया है, जबकि ये जो नुकता वो नून का अपना नुकता, ये भी एक नुकता और ये भी एक नुकता, खुले खुले दो नुकता। नुकते इसी तरह दीवानी में आप कई जगह ऐसा भी देखेंगे कि ये जो नून है इसी को ऐसे करके ये बना, इसको जोड़ दे, बस यही वाला नून है, बस इसको जोड़ दिया और नुक्ता अंदर बना दिया। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तीन शक्लें। ये मुफरत की शक्लें हैं, यानी नून जब अकेला होता है और नून जब मिला के बनाते हैं ना कदर दीवानी में, तो इन तीनों में से कोई शक्ल नहीं होती, वो एक अलग शक्ल बनती है, वो हम अगली तख्ती में लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर तो पर मीम और नून आ जाए, लफ्ज़े मिन या मन, तो फिर हम ये काफ वाली शक्ल। ये नून, सॉरी, नून मुरक्कब, नून मुरक्कब की हालत में, और ये नूनात मुफरद, मुफरद नून है, नूनात मुफरद। ये बात समझ में आ गई, नून आपके सामने। अब बारी है वाव की, वाव को गौर से देखें, कॉफ की तरह बनाएं ये वाव का सर। थोड़ा सा ऊंचा और गोल, ये इसके बराबर पहुंचे,
फौरन से, फौरन से इस तरफ पे ये खड़ा खड़ा कलम आया जब इसके बराबर पहुंचा। अब आप इसको ये बोले ठीक है, ये एक दो तीन तीन नुक्तों का होगा, यहाँ आपका ये आधा नुक्ता आ जाएगा, यहाँ भी से देखेंगे तब भी तीनों, एक नुक्ते का ये और दो नुक्तों का। तो आप फिर देखें ठीक कलम मोड़ दिया और उसको पतला किया, यानी तीन नुक्तों का बनाया ना, तो ये जो मोटाई है, ये वाली मोटाई है, ये दरमियान में आ रही है, एक एक डेढ़, ये मोटाई ये दरमियान में। कभी कभी हम इस वाव को आगे किसी हर्फ के साथ टच करना हो तो गोल भी कर देते हैं, वो भी इंशाल्लाह अगली हफ्ते में आ जाएगा। यहाँ बस मैं आपको समझा दो, बता दो, ये ऐसे करते थे कभी कभी, जैसे कि हम लिखे ना, जैसे अनुषा लिखी हूँ तो ये आ जाएगा शीन, इसके साथ ऐसे जो। ये टच करने से, गोल करने से ये मकसद होता है टच करने, इसके लिए पे दो नुकते आ जाते। अब ये आप अगर कहेंगे काफ की तरह लगता है तो ये काफ नहीं है, क्योंकि काफ के तो नुकते होते हैं, इसके कोई नुकते नहीं है, और काफ जरा ये गोल आता है, तीन नुकतों का होता है और ये दो नुकते। ये बात भी क्लियर हो गई। अब आते हैं गुड, तो दो चश्मी हाथ है, दो चश्मी हाँ में कलम को 70 डिग्री पर रखेंगे और ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले गए, यानी इसको आप तकरीबन तकरीबन एक और डेढ़ नुकता, फिर इससे इसको थोड़ा सा इसे घुमा कर नीचे डाल, ये आधा नुकता इससे मजीद नीचे आ गया, टोटली ये खुले खुले दो नुकते, ये दो नुकतों का ये स्ट्रोक, यहाँ ऐसा लगे कि पूरा का एक नुकता आ जाएगा। और यहाँ से ये देखें एक दो, पहले यो देखे तो ये दो, तो ये जो उठान आ रही है ये दरमियान में आ रही है। और जब दो नुकतों का ये बनाया, ये 110 के जाविये पर होता है, ठीक है, जो हमारा अलिफ का जाविया था, अब क्या करना है, अब 45 के जाविये पे आना है, यही कलम रखा 45 के जाविये पे है, ये जो अलिफ है इसकी सीध से पहले पहले, यानी यहां से उठाएंगे, और ये जो स्ट्रोक बनाया ना ये दोबारा बनाएंगे, ये चीज यहाँ ला के,
ये 45 के जरिए पे आ रहा है। अब यहाँ टच किया इसके साथ और इसी की लाइन के ऊपर से ये तो यहाँ पर ये आधा नुकता यहाँ पर आता है। इसको अंदर से देखें, ये अंदर से कुछ यूं है, ऐसे ऐसे और फिर ये दो नुकते थे तो ये तीसरा नुकता ये हो गया और चौथा नुकता ये कोई भी हर्फ इसके साथ जुड़ेगा, कोई भी हर्फ जुड़ेगा तो एक नुकते के बाद जुड़ेगा। ये याद रखें, ये जो हा होता है ये कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता, बल्कि इसके साथ आगे कोई भी हर्फ जुड़ा हुआ होता है, अकेला नहीं लिखा जाएगा। यानी जैसे अकेला जो हा आता है वो दूसरा होता है। अब वो किस तरह है, वो बहुत छोटा सा है, मुख्तसर सा, जिस तरह 3 नुक्ते बनाते हैं ये बनाए और फौरन इसको वापस ले आए। ये बस तकरीबन 1.5 नुकता, खुला खुला पूरा 1 नुकता उस्ताद इज्जत ने बनाया, लेकिन तकरीबन ये 1.5 नुकता है। ये देखें, ये अब 45 के जाविये पे थोड़ा सा जाविया कम है, और यहाँ पर फासला, यानी ये जब हम बनाएंगे 3 नुक्तों की तरह ये यहाँ लाके रोक देंगे। ये नीचे है ये वाला स्ट्रोक, ये स्ट्रोक ऊपर है। इसको नीचे से ऐसे नीचे लाके इसके साथ इसे ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ खुद बहुत पास नजर आए। ये बात भी क्लियर हो गई, ये अकेला लिखा जाता है जब भी किसी लफ्ज के साथ आ जाए अकेला स्त्रो। यहां से भी ये 1 मिनट के बाद, इसके बाद लाम अलिफ या दो किस्म के लाम अलिफ है, ज्यादा इस्तेमाल होते हैं लाम अलिफ, इसीलिए उसका मुफरदात में उसका जिक्र करते हैं। अच्छा रखते हैं इसमें हम 70 डिग्री पे और 110 डिग्री पे देख जाते। दो नुकतों का ये बनाते हैं, फिर जो तीसरा नुकता है वो इस दायरे का घुमाया, अब घुमा के इसको सीधा किया कलम को, यहाँ पर हम सीधा रखते हैं ऐसे घुमाते सीधा सीधा। अब क्या करना है, तो ऐसा रुक कर ये, जैसे कि हम 70 भी थे ना तो ये 80 पे रखते हैं, ऐसे आके 80 पे रुके, इसके बराबर जब पहुंचे तो फिर नीचे दे आए, फिर नीचे दे आए यही 2 नुकतों के बराबर, और फिर इसके बाद ये हम ये वाला स्ट्रोक बनाते हैं जो हम रॉ के आखिर में या वाव के आखिर में बनाते। अब ये जो स्ट्रोक होता है ये नीचे वाले स्ट्रोक से
नीचे वाले स्ट्रोक से हल्का सा ऊपर होता है, यहाँ पूरा एक नुकता फंस जाए। इसको यहाँ, इसको मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ ताकि आप लोग समझ लो। ये है लाम, ये है अलिफ। लाम अलिफ इसी साइज का बनता है, 3 नुक्तों का। इसको फिर देखिए, ये आपका लाम अलिफ। लाम अलिफ की फिर एक और शक्ल है, वो देखिए, वो उसके मुकाबले छोटा होता है, यानी ये अगर 3 नुक्ते का है तो 2.5 नुक्ते का। उसमें हम यू बनाते हैं पूरा गोल, फिर हम ये बनाते हैं। एक दो, और ये लंबा है तो ये दूसरा जो स्ट्रोक होगा वो उससे छोटा होगा, 1 नुक्ते के गैप से, 1 नुक्ते के गैप से ये लगाएंगे। अब हम इसको इसके साथ टच भी कर सकते हैं और इससे थोड़ा फासले पर भी रख सकते हैं। अब ये नीचे टच हो गया, ये भी लाम अलिफ है। आप कहेंगे कि ये क्या है, तो ये लाम अलिफ, सर यहाँ पूरा अलिफ, नुक्ता। ये तो अलिफ की फिर दूसरी शेप हो गई ना। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ लाम के साथ जब आएगा तो फिर इस तरह से बनेगा। ये अलिफ अलग है, ये अलिफ अलग है, ये लाम अलिफ एक साथ आते हैं, तो फिर ये शक्ल बनाते हैं। और ये कहीं कहीं जैसे मजबूरी होती है, जरूरत पड़ती है, जगह छोटी है, आपने लाम अलिफ लिखना है, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन तैयार करते हैं। इसमें फिर आपके पास ये नीचे से मिलाने वाला ऑप्शन भी है, और नीचे से आप फासला रखें वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद। लेकिन करीब करीब हो ताकि अलग अलग ना लगे, ये दोनों ऑप्शन। आखिर में आ जाती है छोटी या, के लिए थोड़ा सा 80 डिग्री में कदम रखें और ऊपर लेके जाकर फौरन नीचे आए। ये ऊपर गए, थोड़ा सा तिरछा कदम, हल्का सा, फिर वापस नीचे आए। ये सारा का सारा गेम एक नुक्ते के अंदर अंदर हो गया। वापस आए, अंदर एक नुक्ता रहे। अब क्या करना है कि नीचे आना है, और थोड़ा नीचे आए, सीधा आए, फिर फौरन नीचे आए। ये आप इसके बराबर बनाएंगे, इससे हल्का सा आखिर हो जाए तब भी ठीक है, लेकिन तो मोमन ये बराबर होता है। ये जो लाइन है, ये वाला जो कॉर्नर है, ये बराबर। इसको देखिए, ये इस तरह से आता है कि पहले थोड़ा सा गोल सीधा, फिर फौरन नीचे। अब क्या करना है, अब जो आपने दायरा बनाया था ऑफ में, वो ही आप दायरा बना दो। ये भी 1, 2, इसका दायरा उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है, 2.5 नुक्ते। यहाँ से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4,
यहाँ से देखेंगे, 1 2 3, फिर देखिए ऐसे, फिर ये थोड़ा सा ओवल शेप में गया है। अच्छा, छुट्टियां हो गई और ये आप लोग का आज का सबक। मैं एक दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं और मैं इसको जरा फाइनल करके लिखता हूँ। नून पढ़ा हमने आज, नून की एक और किस्म पढ़ी, नून की तीसरी किस्म पढ़ी, बहुत कम इस्तेमाल होती है, ज्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं ये इस्तेमाल। वाह, दो चश्मे, हाँ छोटा, हाँ आवाज़ लावा की दूसरी शक्ल, और ये आपका आज का सबक। मुफरदात मुकम्मल हुए, अगले क्लास में मुकम्मल मुफरदात बिल्कुल साफ सुथरे एक साथ लिख के चेक कराएं। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया इस हवाले से, आज के सबक के हवाले से कोई सवाल है किसी का? नो सर, चलें जी, बहुत अच्छी बात है, समझ गए आप लोग, और अच्छा अच्छा काम करें, सब मशक भेजा करें ताकि हम अच्छी तरह आगे बढ़ सकें। ये हमारी कौन सी क्लास है, 5वीं आए थे, तो माशाल्लाह हमारे मुफरदात मुकम्मल हैं। अब बाकी और जिम की तकलीफ थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके बाद फिर आप लोग बड़ी आसानी से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुफरदात जितने मजबूत होंगे आगे की तख्तियां उस कदर आपके लिए आसान होगी, मुफरदात पे आप लोग ज्यादा मेहनत करें। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट मंडे, तब तक अलिफ से लेकर या तक इसे अच्छे से निभाएं और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।